झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के बारवा गांव के बस स्टैंड पर एक विवादित जमीन पर कब्जा करने की नीयत से किए गए हंगामे के मामले में पुलिस की धरपकड़ जारी है। देर रात को पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को और 8 गाड़ियों को जब्त किया है। उदयपुर वाटी सीआई मुनेशी मीणा ने बताया कि बारवा बस स्टैंड पर एक जमीन विवाद के चलते चैनगढ़ निवासी प्रेमचंद और राधेश्याम गुजर आदि ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक के साथ तोड़फोड़ की थी। वहीं कुछ लोगों के साथ मारपीट कर इलाके में दहशत फैलाई थी। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों प्रेमचंद, राधेश्याम बसावा निवासी सुमेर मीणा, भैरू का बास झाझर निवासी सुरेंद्र सिंह, मानावाली ढाणी तन झाझर निवासी मंजीत, गोठड़ा तन नवलगढ़ निवासी नरेश गुजर, नवलगढ़ निवासी अजय, बालाजी स्टैंड की उमेश सिंह की ढाणी देवीपुरा बनी निवासी राम अवतार, भाटी की ढाणी तन मोहनवाड़ी निवासी बलबीर गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दहशत फैलाने में काम ली गई 6 बोलेरो कैंप गाड़ियों के अलावा 2 कारों को भी जब्त किया गया है। शेष आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिशें दी जा रही है। गाँव में जो विवादित जमीन पर जो कब्जा करने की नियत से जो घटना हुई, उसमें 10-12 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए थे और वो आकर वो कब्जा करने की नियत से गाड़ी में तोड़फोड़ की। जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक बाइक थी, उनको उनमें से 9 व्यक्ति दहशत बारवा बस स्टैंड पर 9 व्यक्तियों को दहशत फैलाने वालों को, आतंक फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनमें से 6 कैंपर, 6 कैंपर बोलेरो और एक I-20 और एक अल्टो गाड़ी को जब्त किया गया है। और जो शेष अन्य जो मुलजिमान है, उनकी धरपकड़ जारी है और उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।